हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रेम अनीता ब्लॉग्स पर। मैं अनीता आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करती हूँ। आज हम लोग कानन पिंडारी घूमने आए हैं फ्रेंड्स, तो आगे वीडियो में बने रहिए और कानन पिंडारी का मजा लीजिए आप लोग भी। ये स्कूली बच्चे हैं, हम लोग भी आए हुए हैं ट्रिप पे कानन पिंडारी घूमने के लिए। ये देख सकते हैं आप लोग, सभी फोटो खिंचवा रहे हैं। और ये काउंटर है, टिकट काउंटर। यहाँ पे 3 साल के बच्चे से स्टार्ट हो जाता है टिकट लगना, और 10 रुपया है बच्चों का और बड़ों का 20 रुपया है, और सब मार्क को बंद रहता है। आप लोग देख सकते हैं, ये टिकट लेकर हम लोग अंदर आ चुके हैं। और ये छोटी है, और छोटी के हस्बैंड भी आ चुके हैं अंदर में, वेट कर रहे हैं। उन लोग पहले आ चुके हैं, लेने के लिए आए हैं, तो यहीं पर सब लोग मिल रहे हैं। और पावनी के पापा भी आए हैं, तो वो थोड़ा सा, उनको टाइम लगेगा अभी, 1 घंटा बोल रहे थे। जब तक हम लोग घूम रहे हैं, लेने के लिए आ रहे हैं। तो और सब लोग ये देखिए, इसीता, पावनी और सोना, पावनी के मौसा, और वीडियो जो बना रहा है वो भाई है, और वो बोल रहे हैं आज मैं करूँगा व्लॉगिंग करके। और इधर हम लोग जा रहे हैं, ये आप लोग देख सकते हैं। और बहुत बढ़िया है, यहाँ पे ना लिखा रहता है जानकारी वगैरह, जो बच्चे लोग आते हैं उनको सीखने के लिए भी मिलता है, और बच्चों के एंजॉयमेंट के लिए बहुत ही बढ़िया जगह है ये। लेकिन पहले से थोड़ा सा कम हो चुका है यहाँ इसमें का रख रखाव, कानन पिंडारी का। पहले एकदम अच्छा से ना, मतलब रहता था, जैसे गार्डन वगैरह है वो बहुत हरा भरा बढ़िया लगता था। पता नहीं, मैं तो 7-8 साल बाद गई हूँ, मेरे को उतना अच्छा नहीं लगा जैसे पहले लगता था। और जानवर भी कुछ कम हो चुके हैं, और इधर रख रखाव में भी थोड़ी सी कमी आई है, और अच्छे से, क्योंकि ना हरा हरा नहीं दिख रहा। पहले तो एकदम मस्त हरा हरा रहता था, गार्डन वगैरह बहुत बढ़िया से मेंटेन करके रखे हुए थे, और बहुत भी भीड़ रहता है। और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एनी टाइम सब मार्को छोड़ के हर दिन बहुत ही भीड़ रहता है यहाँ पे, और बहुत दूर दूर से लोग आते हैं कानन पिंडारी घूमने के लिए। और ये काला हिरण है, लेकिन थोड़ी दूर दूर में है ना, तो उतने अच्छे से नहीं दिख पा रहा होगा। आप लोग देख सकते हैं काला हिरण इसमें है, ये देखिए। यहाँ पे बोर्ड वगैरह लगा रहता है, कहाँ पे क्या है, कहाँ पे क्या है, उसको क्या बोलते हैं ये सब। और यहाँ पे ये बोर्ड लगा रहता है बीच बीच में, कहाँ पे क्या है, किधर साइड क्या है, वो मतलब देखने के लिए, ताकि घूमने में आसानी हो। और यहाँ पे रहता है भालू, और ये देखिए, लेकिन ये क्या चीज़ है समझ में नहीं आ रहा था, जूम करके देख रही थी तो भी। और भालू तो नहीं है इसमें, लेकिन पहले इसी में भालू रहता था, और अभी नहीं है भालू। और इधर आ गया है तो यहाँ पे है जंगली सुअर, ये देखिए जंगली सुअर है। और उसके बाद फिर यहाँ पे है दरियाई घोड़ा, ये देखिए हिप्पोपोटामस बोलते हैं। ये लद्दी में लेटे हुए हैं, यहाँ पे कीचड़ जो है ना उसमें लेटे हुए हैं, 2 ठो है, दोनों यहीं पे। और इधर से फिर जाते हैं तो इधर पड़ेगा ये वाइट टाइगर, सफ़ेद शेर, ये देखिए 3 ठो है। और अभी कर रहे हैं लोग वॉकिंग, वॉकिंग लगे हुए हैं, मस्त घूम रहे हैं। देख कर ना डर भी लग रहा था कि पता नहीं कूद के आ ना जाए, इतना बड़ा बड़ा सा है एकदम से। और आज की वीडियो कैसी लगी दोस्तों, आप सभी को कमेंट करके बताइएगा। और जो भाई बहन मेरे चैनल में पहली बार आए हैं, उन लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इसके बाद जस्ट सामने में गार्डन है, देखिए गार्डन कैसे दिख रहा है, एकदम घास वास तो पता ही नहीं चल रहा है। और इसमें झूला लगा हुआ है, इसमें बच्चे लोग झूल रहे हैं झूला। और यहाँ पे है बब्बर शेर, ये देखिए बब्बर शेर है यहाँ पे, ये जो लगा हुआ है ना बेड टाइप का बनाया हुआ है, उसी में बैठा है इधर पीछे करके। और उसके बाद है यहाँ पे चीता, ये देखिए कितना तेज तेज एकदम फुर्तीला वॉकिंग कर रहे है। उसके बाद ये है शेर, यहाँ शेर है, अभी आराम से बैठे हुए हैं, ये देखिए। पहले से कुछ जानवर अभी कम भी हो गए हैं जैसे पहले था उससे। और ये देखिए डक है, कितना बड़ा बड़ा सा एकदम से। और ये है तितली गार्डन, तितली उद्यान, ये देखिए। यहाँ से अंदर जाते हैं, यहाँ से बच्चे लोग सब आ रहे हैं घूम घूम करके। अंदर में बहुत बढ़िया है, फूल
फूल लगा हुआ है रंगी बिरंगी, बहुत बढ़िया मस्त वाला। और ये देखिए बड़ा सा तितली बना हुआ है एंट्री के जस्ट सामने ही, इतना बड़ा सा तितली बना दिए हैं। और इधर देखिए पूरा भी गार्डन बन ही रहा है और ये बन चुका है। देखिए कितना सुंदर सुंदर फ्लावर है और बहुत सारा फ्लावर अभी लगा भी है। ये देखिए अभी लगा भी है, वो स्टार्ट नहीं हुआ है फूल खिलना। और यहाँ पे है सांप, ये देखिए अजगर, और बाकी सब तो ना भूसे के अंदर घुस चुका है। एक दो बस दिख रहा था, एक ठो बस देखिए। और पहले तो इतना सारा था यहाँ पे, बहुत ही सारा पूरा भरा हुआ था इसमें अजगर। और यहाँ पे शंकर भगवान की मंदिर है वहीं पे, जहाँ पे सांप के पूरा मतलब है वहीं पे। देखिए पूरा कितने प्रकार के हमारे इंडिया में सांप होते हैं, जितने उतने प्रकार के यहाँ पे सांप है। लेकिन अभी कुछ दिख रहे थे, कुछ नहीं दिख रहे थे सांप, और कुछ अंदर में घुसे हुए हैं, कुछ है कुछ नहीं है, समझ में नहीं आ रहा था। कुछ नहीं दिख रहा था तो कुछ तो दिख रहा था। और इधर देखिए चिड़िया, कितना सुंदर सुंदर चिड़िया है, एकदम मस्त। ये देखिए कितना सुंदर सुंदर चिड़िया, एकदम चहचहा रही थी ना, बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पे। एकदम चूचू चूचू कर रहे थे चिड़िया लोग तो। और ये देखिए पूरा कितने प्रकार की चिड़िया है यहाँ पे, पूरा लिखा हुआ है, बोर्ड लगा हुआ है, कौन कौन सा चिड़िया है, कौन कौन सा ये बाजीगर बोलते हैं, रंगी बिरंगी है पूरा, अलग अलग कलर का पूरा चिड़िया। वहाँ से देखने पर अच्छा ऐसा आ रहा था वीडियो में, पता नहीं आप लोग को कैसा दिख रहा होगा। और एक बार बिल्कुल विजिट करिए, आप लोग जो नहीं गए होंगे कानन पिंडारी, उन लोग जाकर देखिए। बच्चों के इंजॉयमेंट के लिए बहुत ही बढ़िया जगह है कानन पिंडारी, क्योंकि पूरा झूला वगैरह फिसल पट्टी बच्चों के लिए बहुत बढ़िया है, यहाँ पे अच्छे से खेल सकते हैं। और बिल्कुल जाइए आप लोग जाकर के, वहाँ की जानकारी लीजिए। और ये हम लोग सब झूला झूल रहे थे, कितना बहुत मज़ा आ रहा था हम लोग, एक घंटे तक तो पूरा झूला उला झूले, बच्चे लोग मस्त फिसल पट्टी वगैरह में बहुत इंजॉय किए खेले। उसके बाद फिर इधर ये हो गया है लास्ट है, मतलब एंट्री के साइड का गार्डन है, दूसरा गार्डन है, इसमें फिर इन लोग खेल रहे थे। और मिस्टर जी भी आ गए हैं तो उनके साथ फिर आधा घंटा और घूमे हैं, निकलने का टाइम हो चुका था क्योंकि 5 बजे बंद होता है गार्डन, सुबह 9 बजे से शाम को 5 बजे तक रहता है, लेकिन 5:30 बज जाता है लास्ट सबको निकलते हैं। तो हम लोग अब निकलने वाले हैं क्योंकि ये टाइम हो चुका है फ्रेंड्स, क्योंकि कल हम लोग को घर जाना है। छोटी लोग भी जाएंगे, उनके भी मिस्टर आ चुके हैं, वो तो पहले ही पहुंच गए थे कानन पिंडारी हम लोग से पहले। और ये बच्चे लोग खेल लिए, उसके बाद फिर हम लोग जाएंगे अब घर, शाम हो चुका है। आज की वीडियो यहीं तक है फ्रेंड, पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा।